एमपी के हरदा में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हरदा के डॉक्टर वीआर अंबेडकर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ साथ कलेक्टर ऋषि गर्ग, पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, वन मंडल अधिकारी अंकित पांडे, जिला पंचायत सीईओ रोहित सिसोदिया, अपर कलेक्टर प्रबीर फुल पगारे व सांसद प्रतिनिधि राजू कमेडिया सहित विभिन्न अधिकारी, जनप्रतिनिधि व विद्यार्थियों ने भी सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने उपस्थित विद्यार्थियों से कहा कि यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो प्रतिदिन सुबह सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार हमारे तन व मन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत माता के सच्चे सपूत जिन्होंने भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया, गौरव बढ़ाया, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जल्दी ही युवा नीति हम लागू कर रहे हैं, जिससे युवाओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो और देश के विकास में युवाओं की भागीदारी हो। युवा सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं जिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए जिए, ताकि हमारे राष्ट्र को हम आत्मनिर्भर बना सकें, हमारे राष्ट्र को हम शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाकर पुनः भारत माता को विश्वगुरु के स्थान पर पहुँचाएँ। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि मैं सोते हुए सपना नहीं देख रहा हूँ, जागते हुए देख रहा हूँ खुली आंखों से, कि 20वीं सदी अंग्रेजों की लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। आज विवेकानंद जयंती के दिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की सदी होगी और स्वामी विवेकानंद जी का सपना या उनका जो संकल्प था वो पूरा होने जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारत माता दुनिया का नेतृत्व करेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।